दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू माई चैनल. वेलकम टू अनदर वीडियो. सो आज का ये वीडियो होने वाला है कुर्ती ड्रेसेस हॉल. इसमें मैंने सारी लॉन्ग कुर्तीज शेयर की हैं. अभी फेस्टिवल्स के पर्पज से भी आप आराम से इनको वेयर कर सकते हैं. ऑल्सो अभी विंटर्स भी आने वाले हैं तो कुर्ती ड्रेसेस जो होती हैं बहुत ही कम्फर्टेबल होती हैं वेयर करने में. सो अभी लगी हुई है अमेजोन पर सेल. अगर आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो जल्दी से बाय कर लीजिए, बिकॉज जब सेल का टाइम होता है तो बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है. सो अभी जो सेल लगी हुई है उस पर 70-80% आपको ऑफ भी मिल जाएगा. सो मैंने टोटल आई थिंक 7 ड्रेसेस परचेज की हुई हैं. सारी की सारी लॉन्ग हैं, एथनिक हैं. सो मैं अभी वन बाई वन आपके साथ शेयर करूँगी. सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेक श्योर के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कर दें. मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम यूज़र आई डी है टचअप गर्ल. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है तो आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्सो गाइज, ये टॉप जो मैंने अभी वेयर किया हुआ है ये एक कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो गाइज लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो. गाइज जो फर्स्ट कुर्ती है वो है ये, एंड ये काफ़ी अच्छी कुर्ती लगी है मुझे. ये मैंने इसको एज ए कुर्ती ड्रेस वेयर किया हुआ था बिकॉज इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. लास्ट में आपको इसमें फ्रिल भी मिल जाएगी और जो प्रिंट आपको दिखाई दे रहा है ये मटेरियल में ही है तो आप वॉश कर सकते हैं इसको डेली, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. मटेरियल इसका प्योर कॉटन मटेरियल है. सो ये एक कुर्ती है एंड मैंने इसे एज ए ड्रेस वेयर किया हुआ था बेल्ट के साथ. काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था. अगर आप चाहें तो एज ए कुर्ता भी वेयर कर सकते हैं. लेगिंग्स, प्लाजो, पैंट किसी के साथ भी आराम से वेयर कर सकते हैं. लास्ट में ओवरऑल आपको बैक साइड फ्रंट में आपको ये फ्रिल मिल जाएगी, इस वजह से इसका लुक ज़्यादा ड्रेस टाइप लग रहा था मुझे. सो बैक साइड से भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही आपको प्रिंट मिल जाएगा. क्वालिटी वाइज एंड मटेरियल वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी है ये. ऑल्सो ये है अजीरा ब्रांड से. मैंने इसमें साइज़ एस साइज़ ऑर्डर किया है. ओरिजिनल जो इसका प्राइस है 1800 रुपीज़, बट आई थिंक मैंने कुछ 700 समथिंग इसको परचेज किया था. सो काफ़ी अच्छा लुक है. क्वालिटी वाइज, डिज़ाइन वाइज मुझे बहुत अच्छी लगी है. सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये ब्लू कलर का ड्रेस. इसमें आपको वेस्ट लाइन पे इलास्टिक मिलेगी. मैंने जो इसमें साइज़ ऑर्डर किया है वो है एम, बट अगर आप मेरे जैसे हेल्दी हैं तो एस साइज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं. इसमें आपको दोनों साइड पॉकेट मिलेगी तो लुक वाइज काफ़ी अच्छी लग रही थी. मिडी ड्रेस है एंड एंकल से थोड़ा सा ऊपर काफ लेंथ तक आएगी ये ड्रेस. ओवरऑल मटीरियल इसका रेयन प्लस कॉटन मटीरियल है. रेयन मटीरियल है तो बार बार श्रिंक हो जाता है, आयरन करने की आपको ज़रूरत रहेगी. एंड नेक लाइन पर आपको ये थोड़ा सा स्ट्रिंग भी मिल जाएंगी डिज़ाइन पर्पस के लिए. इसमें आपको बीड्स भी लगे हुए हैं. सो ओवरऑल इसका डिज़ाइन लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. बैक साइड से आपको सेम ही प्रिंट मिल जाएगा. सो डिज़ाइन वाइज, लुक वाइज एंड मटेरियल वाइज काफ़ी अच्छी है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. इसमें आपको जो स्लीव्स हैं वो 3-4 स्लीव्स के साथ मिलेगी. ऑल्सो यहाँ पे आपको इलास्टिक भी मिल जाएंगी तो ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा है तो इसको आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. सो गाइज, नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ये ड्रेस है एंड ये आपको काफ लेंथ तक आएगी. काफ लेंथ से थोड़ा सा नीचे ही आएगी. इसमें आपको स्ट्रिंग्स मिल जाएंगी वेस्ट लाइन पे, जिससे आप अपनी वेस्ट लाइन को लूज टाइट भी कर सकते हैं. ऑल्सो ये जो आपको प्रिंट दिख रहा है मटीरियल में है. मटीरियल इसका कॉटन रेयन मटीरियल है. बार बार आयरन करने का आपको ज़रूरत रहेगी. इसका जो ब्रांड है वो है मैक्स एंड मैंने जो इसमें साइज़ ऑर्डर किया है वो है एस साइज़ मुझे परफेक्ट आया है. इसका प्राइस, जिस प्राइस में मैंने इसको परचेज़ किया था वो था 800 रुपीज़ एंड इसका स्टॉक बहुत कम है. अगर आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप इसे चेकआउट कर लीजिए बिकॉज 800 रुपीज़ के अकॉर्डिंग मुझे क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी लगी. आप इसको डेली वेयर कर सकते हैं, कैजुअल वेयर कर सकते हैं, डेली आप इसे वॉश कर सकते हैं. इसका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है गाइस. सो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है. हैवी क्वालिटी है, मुझे अच्छी लग रही थी एंड वेयर करने के बाद इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था. इसमें आपको फ्रंट में काफ़ी सारे ये बटन्स दिखाई दे रहे हैं, ये ओपन हो जाते हैं. फ्रंट ओपन कुर्ती की नीड है. अगर आप फीड कराते हैं या फिर न्यूली मॉम हैं तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा पीस है एंड वेयर करने के बाद लुक भी बहुत अच्छा आ रहा था. सो दिस इज़ माय नेक्स्ट कुर्ती. गाइस, नेक्स्ट जो ड्रेस है वो एक ये ब्लैक कलर का ड्रेस है. इसमें आपको फ्लेयर्ड स्लीव्स के साथ ये मिलेगा. ऑल्सो इसमें एम्ब्रॉयडरी की हुई है थ्रेड से, जो कि बहुत ही ज़्यादा फाइन एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बहुत अच्छी लग रही थी. सो ये ओवरऑल आपको प्लेन ब्लैक ड्रेस मिलेगा. ये पॉलिस्टर मटेरियल का है बट इसमें आपको स्पेंडेक्स मटीरियल की लाइनिंग मिल जाएगी. सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज मुझे काफ़ी अच्छी लगी है. वेस्ट लाइन पर आपको इलास्टिक भी मिल जाएगी. मैंने इसमें साइज़ ऑर्डर किया है
एम एंड एम साइज मुझे परफेक्ट आया है। बैक साइड से भी ओवरऑल एक जैसा कलर है इसका, ब्लैक कलर ही है, पूरा प्लेन है, बट आपको स्लीव्स पे ही ये ओनली डिज़ाइन मिलेगा। तो लुक काफ़ी अच्छा आ रहा था इसका और वेयर करने के बाद भी बहुत अच्छी लग रही थी। सो अगर आपको ब्लैक कलर पसंद है तो डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये है मिस चेस ब्रांड से, इसका ओरिजिनल जो प्राइस है वो है 2100 रुपीज़, बट आई थिंक ये मैंने 700 रुपीज़ में परचेज़ की हुई है। अभी सेल भी चल रही है तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये, एंड इसका मटेरियल प्योर कॉटन मटेरियल है। प्योर कॉटन मटेरियल होने की वजह से थोड़ा सा सी थ्रू है, तो आपको इसके साथ में पैंट या प्लाजो वेयर करना पड़ेगा। इसमें आपको जो स्लीव्स है उस पर या डिज़ाइन मिलेगा, इसको आप टाइट या लूज़ भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही सिंपल सा ड्रेस है, कलर प्रिंट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल इसी तरीके का आपको प्रिंट मिल जाएगा, बैक साइड से भी सेम ही प्रिंट है, एंकल लेंथ तक आ रहा था, एंकल से थोड़ा सा ही ऊपर है। मेरी हाइट है 5.4, मेरे अकॉर्डिंग एंकल से थोड़ा सा ऊपर है मुझे। सो ओवरऑल क्वालिटी वाइज डिज़ाइन वाइज अच्छा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल एंड क्लासिक सा लुक आ रहा था इसका। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट ड्रेस, इसमें मैंने साइज ऑर्डर किया है एस साइज़, एंड एस साइज़ मुझे परफेक्ट आया। मैंने इसको बेल्ट के साथ वेयर किया था तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था, तो बेल्ट के साथ सारी ड्रेस में ना एक अलग ही लुक आ जाता है, तो अच्छी लगती हैं काफ़ी। तो अगर आपको थोड़ा सा लूज़ या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है टाइट होगा तो आपको रिटर्न ही करना पड़ेगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत लूज़ का प्रॉब्लम है तो आप बेल्ट के साथ उसको आराम से पेयर अप कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट। तो गाइज़ नेक्स्ट जो है वो एक जंप सूट है, इस पर काफ़ी अच्छा प्रिंट आपको मिल जाएगा। ऑल्सो ओवरऑल इस पर इसी तरीके का प्रिंट दिया हुआ है, ये बॉटम वाला पार्ट पे एंड फ्रंट में चोली वाले पार्ट पे इस तरह का प्रिंट आपको मिल जाएगा। बैक साइड से भी आपको सेम ही प्रिंट मिलेगा। ऑल्सो इसमें जिप मिल जाएगी जिससे पहनने में थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाएगा आपको। वेस्ट लाइन पे आपको स्ट्रिंग्स दी हुई हैं जिससे आप अपनी वेस्ट लाइन को लूज़ एंड टाइट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा था वेयर करने के बाद, एंड ये एथनिक जंप सूट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसमें आपको 3-4 स्लीव्स मिल जाएगी, मटेरियल इसका कॉटन, प्योर कॉटन मटेरियल, सो मैं इसको हाईली रेकमेंड कर रही हूँ। सो बहुत ही अच्छा इसका लुक आ रहा था, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जो इसमें साइज ऑर्डर किया है वो है स्मॉल साइज़, मैंने इसमें ऑर्डर किया है, तो आप मेरे जैसे हेल्दी हैं स्मॉल साइज ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट ड्रेस। गाइस नेक्स्ट जो ड्रेस है वो है ये, एंड इसमें आपको लीवा ब्रांड का टैग मिलेगा, यानी लीवा ब्रांड का टैग लग गया है मीन्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो आँख बंद करके परचेज़ कर सकते हैं अगर जिसमें आपको लीवा ब्रांड का टैग मिल जाए। मटेरियल इसका कॉटन रेयन मटेरियल है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, कंफर्टेबल मटेरियल है। सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसमें। ये आपको थोड़ा सा डिज़ाइन वाइज काफ़ी फ्लेयर्ड इसमें मिल जाएगा। ऑल्सो इसका डिज़ाइन सिमेट्रिकल डिज़ाइन दिया हुआ है। फ्रंट में आपको बटन्स मिल जाएंगे जो कि ओपन हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा मुझे ड्रेस लगा है। काफ लेंथ से थोड़ा सा नीचे आ रहा था, एंकल से एंकल लेंथ तक ही आप समझ सकते हैं, एंकल लेंथ तक आ रहा था। इसमें आपको साथ में ये बेल्ट भी मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा लुक है एंड आप इसे आराम से फेस्टिवल्स में वेयर कर सकते हैं। बैक साइड से ओवरऑल यही डिज़ाइन है। इसमें मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया है वो एस साइज़ है, एंड एस साइज़ मुझे परफेक्ट आया है। मेरे जैसे हेल्दी हैं एस साइज ऑर्डर कर सकते हैं, बट इसका स्टॉक बहुत कम है गाइस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस इन सारी ड्रेसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, इस पर आपको क्लिक करना है, सारी की सारी ड्रेसेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।